ज्यादा अभिनंदन के लिए जाना होगा डॉक्टर के पास। तो जाने की नानी ने हमको ला के दिए डॉक्टर के पास, तो भी रखे डर गए हम। आसिफ भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हम लोग डर गए थे ना। क्या हुआ था जी? सब रोने धोने लगे थे दोस्तों। क्या हुआ था बता दो अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग को बोले हैं गोपनीय रखने के लिए, लड़का है कि लड़की है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और अभी दोपहर का टाइम है तो आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यानी ना ही दोपहर ना ही सुबह दोस्तों, पर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि दोस्तों हमारे घर में और हमारे जीवन में और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ने बढ़ गया। और दोस्तों आप देखो मैं अपना बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मैं बात कर रही हूँ अपनी दीदी का, नंदिनी का और आशीष का। दोस्तों उनके घर में एक नया मेहमान आ गया है, आ गया है कि आ गई है वो तो पता नहीं हम लोग को, पर आ गई है, आ गया है। आप लोग ही कंफर्म कीजिए दोस्तों, और वो चीज तो वो खुद बताएंगे। हाँ। तो फिर मैं आप लोग को, हम लोग भी फिर बताएंगे ना, पर हमें तो पता चल गया। तो दोस्तों अभी हम लोग को बोले हैं गोपनीय रखने के लिए, लड़का है कि लड़की है। लड़की है दोस्तों, वो तो हम लोग को पता चल गया है। और नीता जी मौसी बन गई है यार, मैं बता रही और इसका भी एक फैमिली पड़ गया है ना। और दोस्तों अभी मतलब मैं अपने जीजा से भी बात करके आशीष से आप लोग को दिखा देती, पर उनको भी टाइम नहीं है, बोल रहे काफी और मुझे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था नंदिनी को बहुत, मतलब कि इसीलिए फोन भी मैं नहीं कर पाऊंगी, पर हो सके तो थोड़ा सा क्लिप आप लोग को हमारे वीडियो में भी दिख जाएगा ना। और दोस्तों वीडियो बनाने में बार बार बिटिया रानी डिस्टर्ब कर रही, रो रही है ना इसकी वजह से। और दोस्तों दीदी को मतलब दिक्कत आ गया था ना बच्चे होने के बाद। आशीष नहीं थे, मम्मा खाली, मेरी मम्मी थी दीदी के पास, आशीष गए थे, मतलब बगल की दादी है मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें छोड़ने के लिए ना खाली घर तक गए। तभी में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया दोस्तों। मेरी मम्मी बोल रही थी बाप रे डर गए हम। आशीष भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हम लोग डर गए थे ना। क्या हुआ था जी? सब रोने धोने लगे थे दोस्तों। क्या हुआ था बता दो अभी। आशीष भी रोने लगे थे क्योंकि दोस्तों सभी को डर लग गया था, ब्लेड आने चलने लगा था क्योंकि बच्चे होने के बाद तुरंत कच्चा शरीर बोलते रहता है दोस्तों। तो उस टाइम ना ये सब तो नजर ही नहीं आ रहा, ये सब बात नॉर्मल सी बात होती है। तो दोस्तों इसी की वजह से ना पूरा ब्लडिंग आने लगा था, तो फिर पानी उनी चढ़ाया, दवाई सुई दिया तब, तो दोस्तों खून मतलब कि खून पूरा आने लगा, तो जाकर पानी उनी चढ़ा सुई दिया तब जाकर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और हमारे पास थोड़ा बहुत वीडियो भी है, क्लिप पास, तो फिर जाकर मैं आप लोग को दिखा वीडियो में, आप लोग को दिख जाएगा दोस्तों, आगे तक बने रहेगा दोस्तों, काफी मजा आने वाला है और काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। पर उतना बड़ा दुर्घटना के पर अभी खैर नॉर्मल है सब चीज, और मतलब सुई दिवाया, पानी उनी चढ़ा, तब जाकर अभी दीदी पूरे अच्छे से स्वस्थ है। पर जो बच्चे होने के बाद कमजोरी शरीर हो जाता है वो तो होना ही है ना, वो तो हो ही जाता है। वो खाना वाना खाएगी, सही से पोषण होगा, उसके बाद जाकर सही हो जाएगा। और दोस्तों बेबी क्या है, कैसी दिखती है, बेबी गर्ल है या बॉय है, पता चल जाएगा अगला वाला वीडियो में दोस्तों। और जी बाबू मेरे जैसी दिखती होगी। कितने लोग पहले वाले वीडियो में कमेंट किए हैं कि नंदिनी जी को क्या बेटी हुआ है। हाँ। दोस्तों ये तो कंफर्म नहीं कर सकते है ना, एक लोग बोल देने से नहीं हो जाता है, पर क्या पता क्या हो, अगर क्या पता लड़का हो जाए, क्या पता लड़की हो, वो तो आप लोग का नेक्स्ट अदर ब्लॉग में पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए सब बोल रहे दीदी तो घूम रही है, उसके दादा हो गया, अभी जाने पड़ेगा, कोई उपाय नहीं लग रहा, जाएगा ना। हाँ तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाने पड़ेगा, जाता होगा तो चलो ना। नहीं मम्मी ज्यादा हो रहा, नंदिनी के लिए जाना होगा डॉक्टर के पास। जो बोल रहे सुनी नहीं था, चप्पल का है मेरा, नंदिनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा दोस्तों। चली गई अंदर दोस्तों, जहाँ पर बेबी होता वहाँ गई, आप हड़बड़ा के ऊपर आए जैसे तैसे।
चलो व्हील चेयर में लेके आए नंदनी को दोस्तों, जल्दी जल्दी से ऊपर। ये लो हर कुछ सारा सामान ला दी। देख चलिए दोस्तों अभी की नानी ना ला के दिए पोटी कर दिया यार इसका नानी को दे रहे थे। माँ बनी है तो खुशखबरी है, और मैं मौसी बनी हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं मौसी बन गई हूँ। चौथी बार मौसी बन गई हूँ। दो दीदी का बाबू है, दो मेरा बाबू है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी दीदी के लिए और उनके बेबी के लिए दोस्तों आप लोग दुआ कीजिएगा दोस्तों कि वो लोग अच्छे से रहे, कुशल मंगल रहे। इतना बड़ा अच्छा बात बोले, कुशल मंगल, ये मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय कर दो।